पंजाब के कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जिला परिषद सदस्य यादविंदर सिंह ने अपने समर्थकों सहित माता श्री नैना देवी की पूजा अर्चना की और आगामी लोकसभा चुनावों में आनंदपुर साहब लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में पार्टी हाईकमान के पास दावेदारी पेश करने के बाद यादविंदर सिंह अपने समर्थकों के साथ माता श्री नैना देवी मंदिर में पहुंचे और माता के प्राचीन हवन कुंड में हवन किया। मां के दरबार में लोकसभा चुनावों के लिए आनंदपुर साहब लोकसभा क्षेत्र से उन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिले और वे चुनावों में जीत दर्ज करें, इसके लिए माता के दरबार में प्रार्थना भी की। इससे पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के चंदू माजरा ने उन्हें हराया था। इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यादवेंद्र सिंह ने अपनी ताल ठोकी है। इस मौके पर पुजारी ऋषु शर्मा, उमेश शर्मा, प्रवेश कुमार, शेरी शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई और मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें मां की चुनरी और प्रसाद भेंट की। सारी संगता साडे इलाके दे हलका निवासी इन्हां दी मांग ते कहिंदे कि बड़ा ही शुभ दिन है बसंत पंचमी दा। असीं पहला आनंदपुर साहिब विखे मत्था टेकिया, फिर इत्थे माता राणी दा आशीर्वाद लैण आए हैं कि माता राणी आशीर्वाद दवे, जिवें कि साडे परिवार दी इत्थे 27 साल दी सेवा है। असीं माता राणी दे आशीर्वाद नाल, हाईकमांड दे आशीर्वाद नाल अगे तो इत्थे होर सेवा करिए, इलाके दा विकास करिए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਕੀ ਮੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ?